हेलो दोस्तों, आज हम चले हैं माउंट एवरेस्ट का व्यू देखने, जो कि हमें दिखेगा काठमांडू के पास चंद्रगिरी हाइट्स से, जिसके लिए हम आ गए हैं थानकोट काठमांडू में। यहां से हम चंद्रगिरी केबल कार का टिकट लेकर चंद्रगिरी हाइट्स पे जाएंगे। ये टिकट हमको आने जाने का 800 इंडियन रुपीस के आसपास का पड़ा है। अब हम जा रहे हैं टिकट लेने के बाद चंद्रगिरी केबल कार की तरफ। देखिए, हमें केबल कार जाती हुई भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे एंट्री गेट पे हमने अपना टिकट चेक करवाया और टिकट चेक करवाने के बाद हम अंदर आ गए हैं। लोग अपने अपने वेट कर रहे हैं केबल कार का, और हमारा नंबर तो आ गया है। अब हम चले ऊपर की तरफ खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए। देखिए, थोड़ा ऊपर जाते ही हम देख पा रहे हैं काठमांडू वैली का व्यू। काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी भी है और अपने आप में शायद नेपाल की सबसे बड़ी वैली है। ये केबल कार का चंद्रगिरी हाइट तक जाने का जो हमारा सफ़र है, लगभग 10 मिनट का रहने वाला है। और ऊपर जितना हम ऊपर जाते जाएंगे, उतना प्यारा व्यू नीचे का आता जाएगा। थोड़ा डर भी लगता है, बिकॉज बहुत हाइट पे है और 2.5 किलोमीटर की केबल कार है अपने आप में ये। वैसे चंद्रगिरी हाइट तक जाने के लिए रोड भी है, बिकॉज वहाँ पे ऊपर एक चंद्रगिरी रिजॉर्ट भी है जहाँ आप ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। थोड़ा ऊपर आने के बाद अगर हम देखें तो हमें माउंटेन पीक्स भी दिखाई दे रही हैं, जो शायद अभी इतनी क्लियर नहीं है, बट एकदम पीक पे जाने के बाद जब हम व्यू देखेंगे सिटी का और माउंटेन पीक्स का, तो एक अलग ही नज़ारा आने वाला है। चलिए, अपना 10 मिनट का सफ़र तय करने के बाद हम ऊपर पहुंच गए हैं हाइट पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, और लोग जो वापस जाने वाले हैं वो अपना इंतज़ार कर रहे हैं अपनी केबल कार का वापस जाने के लिए। और यहाँ पे वापस टिकट स्वाइप करने के बाद हम बाहर की तरफ निकलते हैं, और देखिए नीचे रिजॉर्ट दिख रहा है, खूबसूरत काठमांडू का वैली का नज़ारा दिख रहा है, और कुछ माउंटेन पीक्स भी दिखाई दे रही हैं, केबल कार्स भी ऊपर आ रही हैं। इट्स ब्यूटीफुल व्यू ओवरऑल। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट और पिक्चर पॉइंट बना हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं लोग अपनी अपनी पिक्चर्स क्लिक करने में लगे हुए हैं। और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद हम पीक पर पहुँचेंगे, और ऊपर हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, तो फटाफट ऊपर की तरफ चलते हैं। ये आपको दिखा होगा एक प्लेन काठमांडू वैली में जाता हुआ, जो इन माउंटेन्स के आगे कितना छोटा सा लग रहा। यहाँ पे एक साइन बोर्ड है ऊपर के व्यू पॉइंट्स के लिए, और अब हम ज़्यादा समय ना खराब करते हुए जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ की तरफ चलते हैं। आने के बाद हमको सबसे पहले दिखा जिप लाइनिंग और जिप साइकिलिंग, जो कि काठमांडू का सबसे हाई एल्टीट्यूड का जिप साइकिलिंग और जिप लाइनिंग है। कुछ लोग जिप साइकिलिंग कर रहे हैं, ये एडवेंचरस भी है, पर मुझे तो उससे ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। और यहाँ पे ऊपर महादेव का मंदिर है, भालेश्वर महादेव के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है, जो कि काठमांडू का अपने आप में बहुत ही फेमस मंदिर है। ये एक कटआउट है जिसकी मदद से हम माउंट एवरेस्ट को पहचान सकते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ माउंट एवरेस्ट को देखने की। और आज चूंकि बादल नहीं है तो हम इस पर्वत श्रृंखला को बहुत आसानी से देख पा रहे हैं, और विजिबिलिटी बहुत ही क्लियर है फिलहाल तो। अब हम वापस जिप लाइनिंग की तरफ आए हैं, और कुछ लोग हमें जिप लाइनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग मैं देख पा रहा हूँ जिप साइकिलिंग भी कर रहे हैं। एक पॉइंट की तरफ वापस आ रहे हैं वो लोग धीरे धीरे। नीचे वैली की तरफ देखेंगे तो थोड़े बादल आ गए हैं, आपको रिजॉर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे वैली में काठमांडू टाउन आसानी से दिखाई नहीं दे रहा था,
अब आप थोड़ा नज़ारा लीजिए आसपास का और बालेश्वर महादेव मंदिर का, प्रांगण का। जैसा कि महादेव के मंदिर के बाहर नंदी जी तो हमेशा विराजमान ही रहते हैं, ये नेपाल के राजा किंग पृथ्वी नारायण शाह का स्टैचू है और उनका मॉन्यूमेंट है यहाँ पर चंद्रगिरी में। जब राजा पृथ्वी नारायण शाह पहली बार बालेश्वर महादेव मंदिर आए थे और उन्होंने यहाँ से काठमांडू वैली को देखा था और देखने के बाद सोचा था कि इतनी खूबसूरत वैली को ही वो अपने साम्राज्य की राजधानी बनाएंगे और उसके बाद ही उन्होंने काठमांडू वैली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। अब हम ऊपर व्यू पॉइंट पे आए हैं, यहाँ से माउंटेन्स का नज़ारा और भी खूबसूरत दिखता है और सहूलियत के लिए यहाँ पे दूरबीन्स लगाई गई हैं जिससे कि आप माउंट एवरेस्ट को देख सकते हैं बहुत पास से। और यहाँ से आपको माउंट एवरेस्ट के अलावा अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज, गणेश हिमायल जिसको यहाँ गणेश माउंटेन रेंज कहा जाता है, और लांगटांग माउंटेन रेंज भी दिखाई देती है। नीचे की तरफ देखें तो पूरे बादल आ गए हैं, काठमांडू वैली तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रही, सिटी का नज़ारा तो दिखाई ही नहीं दे पा रहा और माउंटेन रेंजेस आपको अभी भी दिखाई दे रही हैं क्योंकि ऊपर इतने बादल अभी नहीं आए हैं। तो आप लीजिए माउंटेन रेंजेस का नज़ारा। चंद्रगिरी क्योंकि बहुत पीक पे है तो आप यहाँ किसी भी मौसम में आइए आपको तेज़ हवाएं चलती मिलेगी और ठंडा लगेगा, मुझे तो अभी भी ठंड लग रही है और यहाँ आसपास हवा बहुत तेज़ चल रही है क्योंकि आप भी देख पा रहे होंगे कि पूरी वैली नीचे रह गई है और हम एकदम काठमांडू के एक हाइटेड पीक पे हैं। तो इसलिए जब भी यहाँ आएँ तो थोड़ा मौसम का ज़रूर ध्यान रखें, आप ठंड लग सकती है यहाँ पे। और यहीं पे व्यू पॉइंट के नीचे की तरफ एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट भी है जहाँ से आप अपने खाने या मील या जो भी आप खाना चाहें या चाय कॉफ़ी का आनंद लेते हुए भी माउंट एवरेस्ट और बाकी की माउंटेन पीक्स को देख सकते हैं। अब मैं भी नीचे जाऊंगा, आप थोड़ा सा ये माउंटेन पीक्स का नज़ारा लीजिए, कुछ चाय कॉफ़ी के बाद फिर हम चलते हैं वापस केबल कार से नीचे काठमांडू की तरफ। यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है और तो मुझे ठंड लगनी भी शुरू हो गई, मैं ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं पाऊँगा, सो बेटर है कि मैं नीचे वापस ही जाऊँ। मुझे रेस्टोरेंट में चाय कॉफ़ी पीने के बाद मैंने वापस अपना टिकट चेक कराया और वापस लाइन में ताकि हम जा सके केबल कार से नीचे। और नीचे जाने का नज़ारा भी अलग है, ऊपर आते हुए इतना थोड़ा डर नहीं लग रहा था लेकिन नीचे जाते हुए थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा है ऊपर से। और नज़ारा वही, नीचे की तरफ आप देखें तो पूरी काठमांडू वैली दिखाई दे रही है हर तरफ, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आ गए हैं अब बादल कम हैं, उतने नहीं रहे जो ऊपर से दिखाई दे रहे थे, तो इसलिए अच्छा दिखाई दे रहा है व्यू है जो। हालांकि केबल कार के ऊपर जाने और नीचे आने की स्पीड सेम है बट पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये तेज चल रही है। खैर ठीक है, वो शायद
थोड़ा सा एकदम नीचे की तरफ देखते हुए लग रहा है। एनीवेज अब हम पहुंच गए हैं वापस नीचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।